विदेश में नौकरी और महंगे गिफ्ट का झांसा देकर ठगने वाले इंटरनेशनल रैकेट चलाने वाली नाइजीरियन टोली को साइबर सेल ने आखिरकार पकड़ लिया है। साइबर सेल ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सभी दिल्ली के निवासी है। यह मामला तब उजागर हुआ जब हाल ही में महिला के साथ सोशल मीडिया के जरिए 41,70,000 की ठगी का मामला सामने आया था। गौरतलब है, जुलाई में गिट्टी खदान निवासी सेना की सेवानिवृत्त नर्स को लंदन में नौकरी लगाने और इनाम भेजने का झांसा देकर 41,70,000 रुपए ठगे थे। उसकी शिकायत पर गिट्टी खदान पुलिस ने धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। साइबर सेल ने आरोपियों द्वारा इस्तेमाल बैंक खातों के आधार पर जांच शुरू की। उससे आरोपियों के दिल्ली में होने का पता चला। पीआई शिरसागर और एपीआई माने की अगुवाई में साइबर सेल का एक दल दिल्ली पहुंचा। सुजीत कुमार से पूछताछ के आधार पर साइबर सेल ने दिल्ली पुलिस की मदद से मोहन गार्डन इलाके में दबिश दी। वहां नाइजीरियाई अपराधियों की 4-5 बस्ती है। बल प्रयोग और काफी मशक्कत के बाद चारों नाइजीरियाई पुलिस के हाथ लग गए। गिरफ्तार आरोपी काफी समय से दिल्ली में ही रहते हैं। वह कपड़े बेचने के नाम पर साइबर ठगी करते हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया से लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस रैकेट की गहराई से जांच किए जाने पर कई मामलों का खुलासा हो सकता है। विथ सासस द आईटी एक्ट हा गुन्हा दाखल होता आपल्या इथे। या गुन्ह्याचे तपासकामी पी आय शिरसागर, पी आय बागुल, सायबर पोलीस स्टेशन आणि सायबर सेल नागपूर शहर पोलीस यांनी हा डिटेक्शन करण्यासाठी फार मेहनत घेऊन आपल्यासमोर हे आरोपी अटक करून गुन्हा डिटेक्ट केलेला आहे। याच्यामधले फिर्यादीने जून 20 दरम्यान ही जी घटना घडली त्याबाबत फिर्याद दिली होती आणि सप्टेंबर 20 हा गुन्हा दाखल झाला होता। या गुन्ह्यामध्ये फिर्यादीस फेसबुकवरून एक वैद्यकीय अधिकारी या नावाने प्रोफाईल होतं, ओळख वाढवण्यात आली आणि त्या फिर्यादीस कॅनडा येथे नोकरी लावून देतो आणि इतर विविध प्रकारचे गिफ्ट देण्याचे आमिष दाखवून 41,00,000 रुपयांची फसवणूक केली होती पैसे ट्रान्सफर करून। वेगवेगळ्या 8 अकाउंटमध्ये बँकेच्या हे पैसे ट्रान्सफर करण्यात आले होते। या बनावट फेसबुक खात्याबाबतही तपास सध्या करण्यात येत आहे। हा टेक्निकली क्लिष्ट गुन्हा होता, त्याच्यात सायबर सेलनी मागच्या महिन्याभरात बरीच मेहनत घेतलेली आहे। माननीय सीपी नागपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलीस स्टेशन येथील अधिकारी कर्मचारी फेसबुक आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या सतत संपर्कात होते। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दीपिका धनेश्वर, NBC News नागपूर।